सुपर आर्यन एपिसोड 6। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर आर्यन बोला, तो गुरुजी मुझे पहले किस मंत्र का ध्यान करना चाहिए? जानते हो आर्यन, किसी भी मंत्र को सुझाने के लिए दिमाग की क्षमता अधिक होनी चाहिए, इसीलिए तुम पहले दिमाग की शक्ति के मंत्र का ध्यान करो। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम ध्यान करना शुरू करो, गुरु दिव्यांश ने जवाब दिया। गुरु दिव्यांश के जाने के बाद आर्यन दिमाग की शक्ति मंत्र के दीवार की ओर गया। दीवार के पास जाके उसने देखा, उस दीवार पर सिर्फ एक मंत्र लिखा था। ये देखकर आर्यन मन ही मन सोचा, दिल की शक्ति मंत्र के दीवार पर इतने सारे मंत्र और इस दिमाग की शक्ति मंत्र के दीवार पर सिर्फ एक मंत्र, ये कैसे? चलो मैं पहले दिमाग की शक्ति का ध्यान करता हूँ, और वो मंत्रों का ध्यान करने लगा। लगभग 10 घंटे के बाद आर्यन को आभास हुआ कि उसके दिमाग की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। आर्यन ने देखा कि उसे दिमाग की शक्ति में 1 स्टार प्राप्त हो गया है। दिमाग की शक्ति में 10 स्टार होते हैं, हर स्टार से दिमाग की शक्ति में 10% की वृद्धि होती है। आर्यन को अभी दिमाग की शक्ति में महारत हासिल करना बाकी था। ध्यान से उठने के बाद आर्यन गुरु दिव्यांश के पास पहुंचा और खुश होते हुए बोला, गुरुजी मैंने दिमाग की शक्ति में 1 स्टार हासिल कर लिया है, क्या अब मैं दिल की शक्ति का ध्यान कर सकता हूँ? गुरु दिव्यांश बोले, नहीं अभी नहीं, पहले तुम्हें दिमाग की शक्ति में कम से कम 6 स्टार हासिल करना होगा, उसके बाद ही तुम दिल की शक्ति की साधना कर सकते हो, अब तुम जाओ आराम करो। गुरु दिव्यांश की बात सुनकर आर्यन ने गुरु दिव्यांश को प्रणाम किया, उसके बाद वो दरवाजे के रास्ते अपने कमरे में आ गया। जब आर्यन अपने कमरे में पहुंचा तो वास्तविक दुनिया में रात के 12 बजे थे। आर्यन अपने मन में बोला, बहुत देर हो गया है, अब मुझे सो जाना चाहिए, नहीं तो सुबह देर से नींद खुलेगी। मन ही मन सोचने के बाद आर्यन सोने चला गया। अगली सुबह आर्यन की नींद जब खुली तब सुबह के 7 बज चुके थे। अपने बिस्तर से उठते ही आर्यन फ्रेश होने बाथरूम में गया। कुछ देर में आर्यन फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने अलमारी से कपड़े निकले और पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद आर्यन अपने कमरे से बाहर आ गया। बाहर आने बाद उसने देखा उसके माँ पापा सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। आर्यन के उन दोनों को देखकर गुड मॉर्निंग बोला और उनके साथ सोफे पर बैठ गया। आर्यन को आया देख मिस्टर राठौर बोले, तो आज की पूरी तैयारी है? हाँ पापा, पूरी तैयारी है, देखते हैं आज मेरी लड़ाई किसके साथ है, आर्यन बोला। कुछ देर बाद तीनों कैंटीन चले गए खाना खाने। कुछ देर बाद वे तीनों अपने रूम में वापस आ गए। जैसे ही 10 बजने वाले थे आर्यन और उसके माँ पापा रूम से निकल के एग्जाम वेन्यू की तरफ चल पड़े। कुछ ही मिनट वे लोग वेन्यू पर पहुँच गए। आर्यन के वेन्यू पर पहुँचने के करीब 10 मिनट बाद प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर्स आकर अपनी सीटों पर बैठ गए। उनमें से एक प्रोफेसर अपनी जगह से उठे और बोले, डियर स्टूडेंट्स, आज की परीक्षा शुरू करते हैं। उनके बोलते ही बड़े से स्क्रीन पर स्टूडेंट्स की एक लिस्ट शो होने लगी। उस लिस्ट में आर्यन का भी नाम था। आर्यन ने जब लिस्ट में अपना नाम देखा तो उसने देखा कि आज की प्रतिद्वंद्वी एक लड़की है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ सभी स्टूडेंट स्टेज पर पहुंच गए। जैसे ही आर्यन स्टेज पर पहुंचा उसने अपने सामने देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि उसके सामने वही लड़की थी जिससे इतने समय से आर्यन बात करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल में वो लड़की और कोई नहीं कृतिका थी। लोगों ने कृतिका और आर्यन को आमने सामने देख आपस में बात करने लगे। एक आदमी बोला, आज देखते हैं इन दोनों में कौन जीतता है, इनमें से एक 8वें स्तर का योद्धा और दूसरे का तो कुछ पता ही नहीं। उस आदमी के बगल में बैठी एक औरत बोली, सही बोल रहे हो आप, इस लड़ाई को देखने में मजा आएगा। वही प्रोफेसर के स्टेज पर भी ऐसी ही बातें हो रही थी। प्रोफेसर माया प्रिंसिपल सिंह की ओर देखते हुए बोली, प्रिंसिपल सिंह आज देखते हैं कि कृतिका और आर्यन में से आज कौन जीतता है, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली है। प्रोफेसर माया की बात सुनकर प्रिंसिपल सिंह बोले, सही बोल रही है आप, देखते हैं आज कौन जीतेगा, लेकिन मुझे कृतिका की चिंता है, क्योंकि ये लड़का पहले ही एक 7वें स्तर के योद्धा को हरा चुका है, वो भी आसानी से। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर एक प्रोफेसर जिनका नाम सिद्धांत राव था, उन्होंने बोला, प्रिंसिपल सिंह आप भूल रहे हैं, कृतिका राहुल से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आज की लड़ाई मजेदार होगी, क्योंकि दोनों टक्कर के योद्धा है। वही फाइट स्टेज पर जब आर्यन ने अपने सामने कृतिका को देखा और खुश होते हुए बोला, ही तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन की बात सुनकर कृतिका थोड़े गुस्से में बोली, क्या तुमने मेरा नाम स्क्रीन पर नहीं देखा? बकवास बंद करो और चुपचाप लड़ाई शुरू करो, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मैं तो देखूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कृतिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, चलो ठीक है शुरू करते हैं, पहला हमला तुम करो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे हमले में कितनी शक्ति है। आर्यन के इतना बोलते ही कृतिका ने अपने धनुष को अपने हाथों में कस के पकड़ लिया, क्योंकि आज उन दोनों का हथियार धनुष था। आर्यन ने अपने धनुष को मजबूती से पकड़ लिया। तभी कृतिका अपने धनुष पर एक तीर का संधान किया और उसमें अपनी ऊर्जा शक्ति को उस तीर में समाहित कर दिया, जिससे वो तीर तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और उसने भी तीर का संधान करके उसमें अपने ऊर्जा शक्ति को तीर में समाहित कर दिया, जिससे उसका तीर भी तेज रोशनी से चमकने लगा। दोनों की शक्ति समान लग रही थी। जैसे ही दोनों ने अपने तीर को छोड़ा स्टेज पर तेज रोशनी फैल गई और कुछ ही सेकंड में दोनों तीर आपस में टकरा गया, जिससे एक छोटा सा धमका हुआ, लेकिन दोनों में से किसी को कोई हानि नहीं हुई। जब कृतिका देखी कि उसके इस हमले को आर्यन ने बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया।
क्योंकि कल की दोनों फाइट में उसने इसी शक्ति के इस्तेमाल से जीत हासिल की थी। लेकिन आर्यन पर इस शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। इस बात पर कृतिका को बहुत गुस्सा आया, लेकिन कृतिका ने हार नहीं मानी। फिर कृतिका ने एक और तीर संधान की और उस तीर में कृतिका ने पहाड़ भेद शक्ति प्रकट की, जिससे कृतिका की तीर और प्रभावशाली हो गई। वो तीर ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ को नष्ट कर दे। पहाड़ भेद शक्ति को देखकर आर्यन मुस्कुराया और उसने भी एक शक्ति प्रकट किया। वो शक्ति थी समुद्र की शक्ति। जैसे ही आर्यन ने समुद्र की शक्ति प्रकट की, वह चारों तरफ समुद्र के पानी की आवाज आने लगी। तभी कृतिका ने अपने तीर को छोड़ दी। ये देखकर आर्यन ने भी तीर छोड़ दिया, जिससे कुछ ही सेकंड में दोनों शक्ति आपस में टकरा गई, जिससे एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से चारों धूल की एक परत फैल गई। जब धूल की परत हटी तो लोगों ने देखा कि कृतिका अपने जगह से 10 कदम पीछे हट चुकी थी। वही आर्यन 2 कदम पीछे हटा था, लेकिन फिर भी दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। इस बार पहले आर्यन ने चट्टान शक्ति प्रकट किया। इसके जवाब ने कृतिका ने बाण शक्ति प्रकट की। फिर दोनों ओर से शक्ति छोड़ा गया। कुछ ही सेकंड में दोनों शक्ति टकरा गई, जिससे एक छोटा सा विस्फोट हुआ। उन दोनों की फाइट देखकर लोगों ने आपस में बात करना शुरू दिया। एक बड़े बालों वाले आदमी ने बोला, ये फाइट तो कमाल है, दोनों समान शक्तिशाली लग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कौन जीतेगा। उस आदमी की बात सुनकर उसके बगल के सीट पर बैठा आदमी बोला, मुझे तो लगता है ये लड़का जीत जाएगा। देख नहीं रहे हो, वो लड़का मुस्कुरा रहा है, लगता है वो इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा है। ऐसी ही सभी आदमी आपस में बात कर रहे थे। इन्हीं बातों के बीच लोगों को आर्यन की आवाज सुनाई दिया, कृतिका हार मान लो क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। आर्यन की बात सुन कृतिका गुस्से में बोली, नहीं, ये फाइट मैं ही जीतूंगी और तुम हारोगे। कृतिका की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, लेकिन अब मुझे लड़ने का मन नहीं है, अब मैं इस लड़ाई को खत्म करता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने ऊर्जा पाश शक्ति प्रकट किया और कृतिका की ओर छोड़ दिया। ये देखकर कृतिका घबरा गई और उसी घबराहट में उसने एक तीर में अपनी ऊर्जा समाहित कर चला दी। लेकिन कृतिका की उस तीर से आर्यन की ऊर्जा पाश शक्ति पर कोई असर नहीं हुआ और कृतिका की तीर को नष्ट करते हुए कृतिका से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का तीर कृतिका से टकराया, ऊर्जा पाश शक्ति ने एक पाश का रूप लेकर कृतिका को बांध लिया। जब कृतिका ने खुद को बंधी हुई पाई तो उसने पूरी ताकत लगा के पाश को तोड़ने की कोशिश की और मन ही मन बोल रही थी, ये कैसी शक्ति है जो टूट ही नहीं रही है, एक बार टूट जाए फिर इसे देखती हूँ। आर्यन के पास शक्ति को देख सभी लोग और प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर्स भी सदमे में थे, लेकिन थोड़ी देर सब होश में आ गए। होश में आते ही प्रोफेसर माया बोली, ये कैसे संभव है, इस लड़के के पास पास शक्ति है, लेकिन पास शक्ति तो केवल पाताल मंडल के योद्धा के पास होती है, वो शक्ति इस लड़के के पास कैसे। प्रोफेसर माया की बात सुनकर प्रोफेसर सिद्धांत बोले, सही बोल रही है आप प्रोफेसर माया, ये शक्ति इसके पास कैसे। दोनों प्रोफेसर की बात सुनकर प्रिंसिपल सिंह बोले, ये लड़का बहुत रहस्यमय है, पता नहीं और कौन कौन सी शक्ति है इसके पास, वो भी इस उम्र में। ऐसी बातें सभी लोगों के बीच चल रही थी। आर्यन के माँ पापा बहुत खुश थे कि उनका बेटा इतना शक्तिशाली है। वही स्टेज पर आर्यन कृतिका को उस पाश से छूटने की कोशिश करते हुए देख रहा था। कृतिका को परेशान होता देख आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, कृतिका कितनी भी ताकत लगा लो, इस पाश से नहीं मुक्त हो पाओगी, तुम हार मान लो, मैं तुम्हें इस पाश से मुक्त कर दूंगा। कृतिका भी पाश को तोड़ने की कोशिश करते करते थक चुकी थी। कृतिका मन ही मन सोची, ये लड़का सही बोल रहा है, मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगी, अब मुझे हार माननी होगी। मन ही मन सोचने के बाद कृतिका बोली, मैं हार मानती हूँ, अब इस पाश को नष्ट करो। कृतिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, ये हुई ना बात, चलो अब मैं इसे नष्ट कर देता। इतना बोलते ही आर्यन ने एक शक्ति चला दी जो जाके सीधे कृतिका से टकरा गई और एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। जब वो प्रकाश हटा तो सबने देखा कृतिका पाश से मुक्त हो चुकी थी। खुद को पाश से मुक्त देख कृतिका ने राहत की सांस ली और आर्यन को गुस्से से देखी। कृतिका को गुस्से में देख आर्यन ने मुस्कुराया और अपने जगह पर जाके बैठ गया। कृतिका भी गुस्से में जाके अपने जगह पर बैठ गई। चारों ओर सिर्फ आर्यन के ही चर्चे थे, सभी लोग आर्यन की ही बातें कर रहे थे। आर्यन की प्रशंसा सुनकर आर्यन के माँ पापा को आर्यन पर गर्व हो रहा था। पहली लिस्ट के बाकी स्टूडेंट्स की फाइट पहले ही खत्म हो चुका था। आर्यन और कृतिका की फाइट के बाद लोगों को किसी भी फाइट में मजा नहीं आया। कॉम्बैट फाइट शुरू हुए 4 घंटे बीत चुके थे, तभी एक और लिस्ट जारी हुई जिसमें आर्यन का नाम था। इस बार आर्यन की लड़ाई विजय नाम के लड़के से होने वाला था, जो 6th स्तर का योद्धा था। जैसे ही लिस्ट अनाउंस हुई, आर्यन के साथ सभी स्टूडेंट स्टेज पर पहुंच गए। जब आर्यन ने अपने सामने विजय को देखा तो वो मुस्कुराया। आर्यन ने विजय के स्तर को जाना तो आर्यन ने विजय के बोला, भाई तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, हार मान लो। मैं हार नहीं मानूंगा, लड़के हारने में जो मजा है वो ऐसे ही हार मान लेने में नहीं, विजय ने जवाब दिया। सभी लोग विजय के हिम्मत को देखकर उसे सराहने लगे। विजय की हिम्मत देख आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तो चलो फाइट शुरू करते हैं, क्या ये लड़ाई हार जाने से कृतिका बन जाएगी आर्यन की दुश्मन। जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।